एबीपीएस न्यूज। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार द्वारा पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बलरामपुर में ऑपरेशन सेल्फ डिफेंस की कार्यशाला आयोजित करके छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जनपदीय पुलिस तथा प्रशिक्षक द्वारा दी गई। इसी क्रम में सबसे पहले पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलित कर माता सरस्वती के फोटो के समक्ष माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पायनियर पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत गाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। जनपद बलरामपुर के ताइक्वांडो प्रशिक्षक जियाउद्दीन तथा जनपदीय पुलिस की देखरेख में वहां की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण का प्रशिक्षण दिया गया। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने अपने संबोधन में छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090 तथा पुलिस हेल्पलाइन 100 डायल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में छात्राओं को घबराना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी ओपी सिंह ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अत्याचार को बर्दाश्त करने के बजाय अपने माता पिता तथा पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायत करने के बाद आपकी पहचान को गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाती है तथा शहीदों को सबक सिखाया जाता है। प्रतिभाशाली छात्राओं को पावर एंजल चुनकर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल प्रशासन के साथ जनपद पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।